हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट टुडे आई विल डिस्कस डाटा सफिशिएंसी। लास्ट क्लास में भी डाटा सफिशिएंसी हमने डिस्कस किया था, बट उसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग की बजाय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग दोनों ही के अंदर से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग के। ओके, तो इम्पोर्टेंट है एक तरह से। अगर मैंने डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक भी इसीलिए चूज़ किया है कि 5 को एग्ज़ाम है तो सभी टॉपिक्स की आपकी रिविज़न हो जाएगी। तो इसके अंदर हर तरह के क्वेश्चंस आपके पास में मिलेंगे आपको, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन आ गया आपके पास में, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इसके अलावा डायरेक्शन, सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर हमारे कवर करेंगे आज हम। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या है? द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट। जब भी आपके पास में डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या है, फिर हमने चेक करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन फिफ्थ को पढ़ रहा है फर्स्ट संडे। तो लास्ट संडे हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, फाइव जो अपने पास में अगर डेट फिफ्थ है तो दैट मीन्स कि आफ्टर 7 डेज अगेन संडे आएगा, ठीक है, फिर आफ्टर 7 डेज संडे आएगा। दैट मीन्स कि अगर 5 को आपके पास में संडे है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लास्ट में कौन सा होगा। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे बड़ी बात की है ना, स्टूडेंट्स सॉल्व करने लग जाते हैं। जिस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्विंग आप आंसर कर सकते हो तो उसको सॉल्व मत करो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ जी हम आंसर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि फर्स्ट इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके, बट ऐसा नहीं है कि जैसे ही मेरे पास में फर्स्ट मिल गया तो उसके बाद में मैंने सेकंड को नहीं चेक करना, आपने सेकंड को भी चेक करना है। ओके, सेकंड को चेक करेंगे, क्या कह रहे हैं, द लास्ट डे ऑफ मंथ वाज फ्राइडे, लास्ट डे फ्राइडे है। अब हमें पता है कि मार्च के अंदर 31 डेज होते हैं, अगर हमें 31st को क्या है, फ्राइडे है, तो अगर हम बैक चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संडे कहाँ पे। ओके, दैट मीन्स कि हम सेकंड से भी आंसर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट आती है कि फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है आपका, सेकंड से भी आंसर आ रहा है, तो उस केस के अंदर आंसर क्या आएगा आपके पास में, ईदर ऑप्शन, ईदर स्टेटमेंट वन और सेकंड इज सफिशिएंट। क्लियर, सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि सी सेट के अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते, लॉजिकल क्वेश्चन आते, ठीक है ना। तो आपको लॉजिकली थोड़ा सा हर एक, जब भी कोई भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करो तो लॉजिकली सोच के चलना है कि उसके ऊपर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अमंग ए बी सी डी ई एफ हु इज हैवीएस्ट, कौन हैवीएस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्या, ए एंड डी आर हैवियर देन बी, ए और डी हैवी किससे है, बी से, ई एफ सॉरी बी ई एफ, ए डी बी ई एफ तीनों से हैवियर है, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, कह रहा है कि कोई भी उनमें से हैवीएस्ट नहीं है। दैट मीन्स क्या हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है, देखो कह रहा है कि ए और डी हैवी है किससे, बी ई एफ से, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, बट इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है। दैट मीन्स कि इन पाँचों में से तो कोई हैवीएस्ट नहीं है, जो रिमेनिंग पर्सन है दैट इज हैवीएस्ट। ओके, सी इज हैवीएस्ट, तो दैट मीन्स कि हमें पता चल रहा है फर्स्ट से कि हैवीएस्ट कौन है, दैट मीन्स फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। क्लियर, अगर हम सेकेंड की बात करें, क्या कह रहे हैं, ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। अब इस केस के अंदर देखो हमारे पास में ए डी और सी सिर्फ तीन के बारे में हम बता सकते हैं, बाकियों के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। दैट मीन्स वट, कि सेकेंड से हम आंसर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट वाइल सेकेंड अलोन इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पॉइंट क्यू जेड इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी जेड, पी जेड के रिस्पेक्ट में क्यू जेड किस डायरेक्शन में है। ओके, अब यहाँ पे जब डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो अब जब डायरेक्शन की बात आ रही है तो पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, क्यू ए जेड इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी जेड। अब इस केस के अंदर
अगर हम देखें तो पहले तो ये देखो कि क्यू जेड और पी जेड दोनों आ रहे हैं अपने स्टेटमेंट के अंदर, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ सी जेड, बी जेड इज एग्जैक्टली इन बिटवीन ए जेड एंड क्यू जेड एंड पॉइंट पी इज इन द नॉर्थ ऑफ सी जेड। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में डिस्टेंस कहीं भी नहीं गिवन है, दैट मीन्स कि एक बार हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हाँ जी कौन सी डायरेक्शन बन रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कहा उसने, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें, आई थिंक सभी को पता है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, डन। अब क्या कह रहा है, पॉइंट ए इज इन द वेस्ट ऑफ बी जेड, पॉइंट ए जेड इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट, ये किस में है, वेस्ट में है, किसके, पी जेड के। क्लियर, दिस इज वेस्ट दिस इज ईस्ट, पॉइंट इज क्लियर। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ सी जेड, विच मीन्स बी जेड, दिस इज इन द नॉर्थ ऑफ सी जेड, दैट मीन्स कि सी जेड कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे है, सी जेड कहाँ पे, यहाँ पे है कहीं पे। अब देखो ना, बी जेड क्या है, नॉर्थ में हो गया सी जेड के, पॉइंट बी जेड इज एग्जैक्टली इन मिड बिटवीन ए जेड एंड क्यू जेड, बी जेड क्या है, मिडल में है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट मीन्स देर इज सेम डिस्टेंस बिटवीन क्यू जेड एंड ए जेड, यही कहा है। अब उसके बाद कह रहा है पॉइंट पी इज इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी जेड, पॉइंट पी जेड नॉर्थ में है किसके, सी जेड के। अगर सी जेड के नॉर्थ में देखूं तो उस केस के अंदर ये देखिए बेटा, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, दैट मीन्स कि जो पी जेड है, पी जेड की लोकेशन इनमें से कोई भी हो सकती है, ये 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 भी हो सकती है, और इनके रेफरेंस में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि पी जेड यहाँ पे, पी जेड यहाँ पे, अगर मैं क्यू जेड के रेफरेंस में उसको चेक करूँ तो उस केस में डायरेक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे है तो डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, अगर मैं कहूँ यहाँ पे है दैट मीन्स कि डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, दैट मीन्स वर्ड की फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, अगर हम बात करते हैं बेटा सेकेंड की, सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट ए जेड इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी जेड, पॉइंट ए जेड इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी जेड, दिस इज ए जेड दिस इज बी जेड। उसके बाद में क्या कह रहा है, विच इज दैट मीन्स कि बी जेड, विच इज इन द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू जेड, ये क्या है, साउथ में है किसके, क्यू जेड के। डन, पॉइंट पी जेड इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी जेड, बी जेड की वेस्ट के अंदर है क्या, पॉइंट क्या, पी जेड, पी जेड अब यहाँ पे कहीं पे है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी जेड की, तो चाहे पी जेड बेटा यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, मतलब इसकी वेस्ट में, तो हर एक के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो क्यू जेड है हर एक केस में क्या बनेगा, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहेगा, दैट मीन्स कि सेकंड की हेल्प से आप आंसर कर सकते हो। सो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यस, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, अमंग ए बी सी डी ई हु इज इन द मिडल वाइल स्टैंडिंग इन ए रो, रो के अंदर कह रहा है कि मिडल में कौन रहेगा। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट को तो क्या कह रहा है, सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर हम देखें कह रहा है कि सी कहाँ पे है, लेफ्ट में, लेफ्ट में कौन सी पोजीशन है उसकी, थर्ड है डी से, ये डी है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डन, फोर पीपल की पोजीशन हमारे पास में है। आगे कह रहा है सी हु इज थर्ड इन द लेफ्ट ऑफ डी इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ ए, ए की इमीजिएट राइट में है, दैट मीन्स कि ए यहाँ पे आ गया, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और ई की लेफ्ट में सेकेंड है। डन, तो एक पर्सन बच गया, दैट इज बी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स हु इज इन द मिडल, बी इज इन द मिडल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन वी कैन आंसर, डन, दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की हेल्प से आंसर आ गया तो सेकंड को चेक नहीं करना, यू शुड चेक फॉर द सेकंड वन। और सेकंड को अगर हम चेक करते हैं तो सेकंड के लिए भी देखते क्या है आ रहा है, कह रहा है सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, देन हु,
अब यहाँ पे ध्यान रखो, हु दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट दिस वन, हु इज नॉट एट एनी एंड, दैट मीन्स कि जो ई है वो एंड में नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक पर्सन कोई ना कोई आएगा ही आएगा. ओके okay? अब साथ में उसने क्या कहा, नॉट एट एनी एट एनी एंड एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए की राइट में थर्ड है. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, ए यहाँ पे आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लियर. D is at one of the end. D एक end पे है तो D यहाँ पे आ गया. That means कि B बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा. That means second one के help से भी अपना answer आ रहा है. That means what कि दोनों में से single single से हम answer कर सकते हैं. Means either first or second is sufficient to give the answer. Okay? Yes. Let us move to the next one. समझ आ रहा है सभी को, शेयर कर देंगे बेटा. डाटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी. कल की क्लास में मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस किया है, उसको भी चेक कर लेंगे सभी, ठीक है. आज के क्लास के अंदर हम लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर मेन ये है कि आपको पर्टिकुलर हर एक टॉपिक की भी रिविज़न हो जाएगी. देखो अब हर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. और डाटा सफिशियंसी के मैं कह रही हूँ आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना. तो डाटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट, एक बार सभी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में भी और जो बाकी भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. डाटा सफिशिएंसी गूगल कर सकते हो आप, ठीक है. नेक्स्ट देखिए आगे है, व्हाट इज नितिन्स रैंक फ्रॉम टॉप इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. फुल आप ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है. यहाँ पे कह रहे हैं कि रैंक है नितिन का, क्या रैंक है क्लास के अंदर, कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स है. डन. तो अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन नितिन एंड दीपक. नितिन और दीपक के बीच में कितने लोग हैं, 10. अब अगर मैं देखूँ, अगर कंसिडर करते हैं भाई ये नितिन है और ये दीपक है, बीच में 10 स्टूडेंट्स हैं. डन. अब अगर पहले की हेल्प से मैं देखूँ तो क्या हम नितिन का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये तो नहीं पता कि इसके बिलो कितने हैं, इससे ऊपर कितने हैं. हमें जस्ट इतना पता है क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, जिसमें 12 स्टूडेंट्स का तो डाटा ये हो गया, एक नितिन हो गया, एक दीपक हो गया और 10 बीच में. बट बाकी के जो 18 हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, सॉरी 28 जो बच गए उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता. दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से आप आंसर नहीं कर सकते. नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, दीपक इज 20th फ्रॉम टॉप. दीपक टॉप से 20th है, दीपक टॉप से 20th है. अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं बेटा दीपक की, दीपक टॉप से ट्वेंटियथ है तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा कि इसकी हेल्प से कि भाई ये 20th है कहाँ से, यहाँ से. ओके अगर यह यहाँ से 20th है, दैट मीन्स कि अगर हम बॉटम से इसकी पोजीशन को चेक करें तो बॉटम से कौन सी पोजीशन हो जाएगी इसकी, बॉटम से 21st पोजीशन हो जाएगी. हाँ जी, टॉप से हो गया इसके पास में क्या कह रहा है कि 20th. हाँ जी, तो यहाँ से 21st पोजीशन इसकी आ जाएगी, किसकी, दीपक की, क्लियर. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ से हमारे पास में 20th पोजीशन है टॉप से, तो डाउन से 21st पोजीशन होगी और हम उसकी 10 रैंक के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं नितिन की कि भाई ये इससे इधर है. बट एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो बन रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे दीपक है और यहाँ पे नितिन है. हाँ जी, अब बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है. और साथ में उसने यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेकंड को अगर मैं लेके चलूँ कि दीपक इज 20th फ्रॉम टॉप, दैट मीन्स कि जो दीपक है ये 20th है यहाँ से टॉप से, दीपक 20th है. तो उस केस के अंदर अगर हम नितिन को देखें तो वो तो नीचे आ गया. दैट मीन्स कि अब दोनों की हेल्प से अलग अलग आंसर आ रहा है आपका. दोनों की हेल्प अगर मैं लेती हूँ तो भी मेरा अलग अलग आंसर आ रहा है. दैट मीन्स कि दोनों की हेल्प से भी आप आंसर नहीं कर सकते हो. ओके तो क्या आ जाएगा आपके पास में, नीदर वन नोर टू इज सफिशियंट. दैट मीन्स कि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा. क्लियर है ये वाला पॉइंट, बिकॉज उसने यहाँ पे ये कहा है कि देयर आर
10 स्टूडेंट्स बिटवीन नितिन एंड दीपक, नितिन और दीपक के बीच में 10 स्टूडेंट है, सिर्फ एक ही है हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं ये वाला कंडीशन लेती हूँ 40 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ये भी फुलफिल होती है। अगर मैं ये वाली कंडीशन लेती हूँ 40 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो ये भी फुलफिल होती है। दैट मीन्स कि दोनों के हेल्प से हमारे पास में अलग अलग आंसर आएगा, और हमें क्या चाहिए, एक यूनिक आंसर मिलना चाहिए। तो अगर यूनिक आंसर नहीं बन रहा तो हम क्या कहेंगे, नीदर फर्स्ट नोर सेकेंड इज सफिशियंट। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा। क्या है, हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू शालू, हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू शालू। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन क्या कह रहा है, दिव्याज मदर इज सिस्टर ऑफ शालूज फादर, दिव्याज मदर इज सिस्टर ऑफ शालूज फादर। तो यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, दिव्या की मदर, दिव्याज मदर इज सिस्टर ऑफ, ये सिस्टर है किसकी, शालू के फादर की। दैट मीन्स दिव्या एंड शालू आर कजन्स। ओके, कजन्स हैं, बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स कि फर्स्ट से आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब एक बात है बेटा सेकंड वन को, सेकंड में क्या कह रहा है, शालू इज डॉटर ऑफ दिव्याज ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। अब क्या कह रहा है, जो शालू है, शालू इज डॉटर ऑफ दिव्याज ग्रैंड, अब ये दिव्या है, ठीक है, दिव्याज ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंड फादर का ये ओनली चाइल्ड है, ये ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये क्या है, हाँ जी, जो दिव्या है, दिव्या के ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड, सिंगल पर्सन, दैट मीन्स कि यहाँ पे उसके पेरेंट्स आ गए, और उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि ये क्या है, उसकी डॉटर है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक बात देखिए आप, हाँ जी ध्यान से देखिए, कह रहा हाउ दिव्या इज रिलेटेड टू शालू। अब जो दिव्या है, इस अगर हम इस सेकेंड स्टेटमेंट को देखते तो उस केस के अंदर दिव्या और शालू दोनों क्या बन रहे हैं, दोनों क्या है, सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स बन रहे, क्योंकि उसने क्या कहा कि डॉटर ऑफ दिव्याज ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, कल्ला एक ही चाइल्ड है, ठीक है, और उसके ये दोनों एक तरह से बच्चे हो गए। तो उस केस के अंदर देखो बेटा ये क्या हो गए, दोनों सिबलिंग्स हो गए। बट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या, हाउ दिव्या इज रिलेटेड टू शालू, दिव्या कैसे रिलेटेड है शालू से। अब यहाँ पे कहीं भी मुझे दिव्या का जेंडर नहीं मिल रहा, जेंडर नहीं मिल रहा है यहाँ पे इस केस के अंदर। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कज़न का रिलेशन अपने पास में बन सकता है, तो उसमें कज़न के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में जेंडर हो, सिर्फ आप कह सकते हो कि कज़न का रिलेशन बन रहा है। बट इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हम नहीं बता सकते कि दिव्या इज़ सिस्टर ऑफ शालू और दिव्या इज़ ब्रदर ऑफ शालू, दिस में भी दिव्या और दिव्या। ओके, दैट मीन्स कि नेम से हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो गर्ल है या बॉय है। ओके, तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट वन एलोरी इज सफिशियंट वाइल सेकंड इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स वर सोल्ड इन ईयर इन योर सोल शॉप। अब बताइए, कह रहे कितने ग्रीटिंग्स सोल्ड हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास में, हाँ जी, लास्ट ईयर 2935 कार्ड्स वर सोल्ड। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है कि लास्ट ईयर में 2935 कार्ड सोल्ड हुए थे, बट इससे क्या हम बता सकते हैं कि इस साल कितने सोल्ड हुए, दैट मीन्स कि नहीं, दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते। नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, सेकेंड में क्या कर, द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड दिस ईयर वॉज 1.2 टाइम्स दैट ऑफ लास्ट ईयर। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी जब तक मुझे लास्ट ईयर का नहीं पता चलेगा, सिर्फ सेकंड की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते। बट अगर साथ में उसने क्या कहा, लास्ट ईयर का डाटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, 1.2 × 2935। इसको सोल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें तो यही बताना है कि आंसर आ जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, बट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या है, इन ए सर्टेन कोड 13 मीन्स स्टॉप स्मोकिंग एंड 59 मीन्स इंजीरियस हैबिट, वट डू 9 and 5 मीन्स रेस्पेक्टिवली इन दैट कोड। अब यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 5 और 9 का मीनिंग गिवन है। क्या गिवन है, इंजीरियस हैबिट यहाँ पे आपके पास में गिवन है, ठीक है। बट मुझे ये नहीं पता कि 5 का कोड इंजीरियस है या फिर 9 का कोड इंजीरियस है या फिर 5 का कोड हैबिट है, हमें नहीं पता,
ठीक है। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि हम उसको प्रॉपरली बता सके कि किसका कोड क्या है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 157 मीन्स स्टॉप बैड हैबिट, स्टॉप बैड हैबिट। तो अगर मान लो मैं इसको देखूँ यहाँ पे 59 का मीनिंग क्या है, 59 का मीनिंग है इंजीरियस हैबिट, ठीक है, क्या है हमारे पास में इंजीरियस हैबिट। और 157 का मीनिंग क्या है, स्टॉप बैड हैबिट। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे क्या पता चला है कि हैबिट का कोड क्या हो गया 5। यहाँ पे भी 5 कॉमन है और यहाँ पे भी, दैट मीन्स 5 इज द कोड फॉर हैबिट एंड 9 इज द कोड फॉर इंजीरियस। दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से अपना आंसर आ जाएगा। नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, सेकेंड के अंदर क्या करें, 839, 839 मीन्स स्मोकिंग इज इंजीरियस, ओके। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा 9 और 59, अगर हम इसको देखें तो 9 कॉमन है, दैट मीन्स कि 9 इज कोड फॉर इंजीरियस, दैट मीन्स 5 इज कोड ऑफ हैबिट। मीन्स कि अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करती हूँ तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इससे मुझे क्या पता चला कि फर्स्ट से भी आंसर आ सकता है, सेकंड से भी आंसर आ सकता है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या कहेंगे, इधर वन और सेकंड इज सफिशिएंट, इधर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यस नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, देखिए क्या है, कैन रितेश रिटायर फ्रॉम ऑफिस एक्स, कैन रितेश रिटायर फ्रॉम ऑफिस एक्स इन जनवरी 2006 विद फुल पेंशन बेनिफिट्स। क्या कह रहा है कि अगर जो रितेश है वो ऑफिस से जनवरी 2006 के अंदर रिटायर हुआ है तो क्या वो रिटायर होगा विद फुल पेंशन बेनिफिट्स, ओके। अब इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है कि या हमें, एक तो हमारे पास में कंडीशन पता होनी चाहिए कि फुल पेंशन बेनिफिट्स कब मिलेगा, और दूसरा जो रितेश है वो उस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, फर्स्ट कह रहा, रितेश कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ द सर्विस इन ऑफिस एक्स इन अप्रैल 2000 एंड डिजायर्स टू रिटायर, ओके। तो कह रहा है कि जो रितेश है, रितेश ने 30 ईयर्स कंप्लीट कर लिए कब, अप्रैल 2000 के अंदर। अब यहाँ से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि उसका सर्विस टाइम पीरियड कितना है, ये तो नहीं पता चल रहा है कि हाँ जी कंडीशन क्या है फुल पेंशन बेनिफिट्स के लिए। दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन वी कांट आंसर, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड की, कह रहा है एज पर ऑफिस एक्स रूल एन एम्प्लॉय हैज़ टू कंप्लीट मिनिमम 30 ईयर ऑफ सर्विस। दैट मीन्स ये कंडीशन हमें पता चल गई कि हाँ जी वो फुलफिल भी कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास है भी, ठीक है। और साथ में उसने क्या कहा, एंड अटेन एज ऑफ 60, बट उसकी एज क्या होनी चाहिए, 60 ईयर्स की होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, बट थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को भी कंबाइन कर देती हूँ तो उस केस के अंदर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि उसकी एज कितनी है, दैट मीन्स वी कांट आंसर, ओके। रितेश हैज 3 ईयर्स टू कम्प्लीट एज ऑफ 60, रितेश को अभी 3 साल हैं 30 की एज को कम्प्लीट करने में। दैट मीन्स कि अभी उसकी एज 60 नहीं हुई, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें उसका एज का जो क्राइटेरिया है वो भी पता चल गया कि भाई अभी उसकी एज नहीं हुई, दैट मीन्स कि ही विल नॉट गेट द फुल पेंशन बेनिफिट्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे थर्ड की भी ज़रूरत है, अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो क्या कह रहा, आल सॉरी सेकंड है, फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड को मैं कंबाइन करूँ तो यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसका सर्विस टाइम पीरियड कितना है। अगर हम अगला है एनी टू, दैट मीन्स कि या ये दोनों या फिर ये दोनों, तो उससे भी हमारे सारे क्राइटेरियाज पूरे नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि हमें सभी की ज़रूरत है, तीनों की, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर, ओके, क्लियर। अगर आपके पास में बेटा तीन स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो उस केस के अंदर सिंगल को चेक करने के बजाय ये देखो कि ऑप्शन में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करके देखो क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। कह रहे सेकंड थर्ड को कंबाइन करके देखो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद देखो एनी टू है, जब वो फर्स्ट सेकेंड से आंसर नहीं आ रहा, सेकेंड थर्ड से आंसर नहीं आ रहा, दैट मीन्स एनी टू वाला तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। उसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है, कि सभी की ज़रूरत है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास, ऑन विच डेट इन अगस्त वाज कपिल बोर्न, कपिल कब बोर्न हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट है, कपिल्स मदर रिमेंबर दैट कपिल वाज बोर्न बिफोर 19th बट आफ्टर 15th, ओके, आफ्टर 15 बिफोर 19th। तो इस स्टेटमेंट से मुझे क्या मिल रहा है कि उसका बर्थ कब है, आफ्टर 15th
दैट मीन्स 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है या फिर 18 को, बिफोर 19 का है. दैट मीन्स वी हैव थ्री डेट्स, वी डोंट हैव द यूनिक डेट. दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से आंसर नहीं आ रहा. सेकंड देखते हैं, कह रहा कपिल्स ब्रदर रिमेंबर दैट कपिल वाज बोर्न बिफोर 17, बिफोर 17 एंड बट आफ्टर 12th, आफ्टर 12th दैट मीन्स 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 और 16 हो सकता है. बट यहाँ पे भी आपके पास में फोर डेट्स आ रही है, दैट मीन्स कि सेकंड की हेल्प से भी आंसर नहीं आएगा. बट अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ तो उस केस में देखो 16 बेटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि 16 के का उसका बर्थ है कपिल का, दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ बोथ वी कैन आंसर. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज सफिशियंट. क्लियर? हाँ जी, कुछ समझ आ रहा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को सभी शेयर कर देंगे. हाँ जी, अगला देखिए क्या है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ए क्लास प्ले फुटबॉल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ए क्लास प्ले फुटबॉल, कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल प्ले कर सकते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, कह रहे सिर्फ बॉयज फुटबॉल प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो उस केस के अंदर अभी तक हमें पता तो है नहीं, तो यहाँ पे इससे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि नंबरिंग कुछ भी गिवन नहीं है. सेकंड अगर हम देखें तो क्या करें, देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास. क्लास के अंदर क्या है, 40 बॉयज है और 30 गर्ल्स है. तो यहाँ से हमारे माइंड में आएगा कि भाई 40 बॉयज है दैट मीन्स कि 40 स्टूडेंट कैन प्ले द फुटबॉल. बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखो बेटा, उसने कहा ओनली बॉयज, सिर्फ बॉयज ही खेल सकते हैं. अब मान लो 40 बॉयज हैं तो उसमें इस सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें भी कहीं पे ये नहीं कहा कि इसका कितना परसेंट, जैसे कि यहाँ पे या तो होता कि 20% ऑफ द बॉयज, ठीक है, या फिर आपके पास में गिवन होता 1/3 ऑफ द बॉयज, 1/2 ऑफ द बॉयज, 1/4 ऑफ द बॉयज, मीन्स कुछ कंडीशन गिवन होती तो ही हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे ना. यहाँ पर सिर्फ ओनली बॉयज का, ओनली बॉयज से ये नहीं पता चल रहा है कि सभी की सभी बॉयज, या फिर होता ऑल द बॉयज, यहाँ पे ओनली की बजाय ऑल होता ना तो हम क्या कह देते कि फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आंसर आ जाएगा. बट यहाँ पे क्या है, ओनली है, दैट मीन्स वी कांट आंसर. ओके, तो क्या आएगा, इधर नीदर फर्स्ट नोर सेकंड इज सफिशिएंट, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए. तो जरूरी नहीं है कि हाँ जी आंसर आएगा ही आएगा, कई बार दोनों की हेल्प से भी नहीं आंसर आ रहा होता. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाउ मैनी विजिटर्स सा द एग्जीबिशन यस्टरडे, एग्जीबिशन यस्टरडे. अब देखो यहाँ पे कह रहा है ईच एंट्री पास होल्डर कैन टेक अप टू 3 पर्संस विद हिम और हर. कितने पर्सन साथ में लेके जा सकता है, अप टू थ्री मीन्स व्हाट, कि वो एक भी लेके जा सकता है साथ में, दो भी और तीन भी. ठीक है, दूसरी दैट मीन्स कि इसकी हेल्प से तो हम आंसर नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने एग्जीबिशन देखा, नहीं. ओके, अगर हम बात करें सेकंड के, इन ऑल 243 पासेस वर सोल्ड यस्टरडे. अब यहाँ पे सिर्फ पास के बारे में बताया गया, दैट मीन्स कि इसकी हेल्प से भी हम नहीं आंसर कर सकते. जब हम अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई 243 पैसेंजर्स हैं जो हैं, सॉरी, जो 243 पासेज जो हैं हमारे पास में, एंट्री पास है, उसके अंदर कुछ पर्सन साथ में 1% लेके आ रहे हैं, कुछ पर्सन के साथ में 2 भी हैं, कुछ के साथ में 3 भी है. दैट मीन्स कि हम टोटल तो कैलकुलेट कर नहीं सकते. दैट मीन्स कि बोथ आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर. तो हम क्या कहेंगे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशियंट. ओके, हाँ जी, अगला है अपने पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा. क्या है, हाउ इज डेट रिटन इन द कोड लैंग्वेज, डेट का कोड क्या होगा. अब फर्स्ट को देखते हैं, कह रहे डियर का कोड क्या है हमारे पास में, ये गिवन है. ट्रीट का कोड ये गिवन है, टीयर का कोड ये गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है डेट का कोड. तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेट का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, डियर आ रहा है, डियर का एक कोड है मेरे पास में. ओके, अब मुझे कोड किसके लिए चाहिए, डेट के लिए, डेट के लिए चाहिए. दैट मीन्स कि मेरे पास में डी तो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे ए भी मुझे मिल रहा है, ठीक है, और ई भी मुझे मिल रहा है. डेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, डी ए टी ई. अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वो मेरे पास में फर्स्ट की हेल्प से मुझे डी का कोड मिल रहा है, ए का कोड मुझे मिल रहा है और ई का कोड भी मुझे मिल रहा है,
बट मुझे टी का कोड नहीं मिल रहा, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट हम नहीं आंसर कर सकते और हमें कर ले फर्स्ट से चेक करना भी नहीं है, बिकॉज जब भी आपके पास तीन स्टेटमेंट आती है तो उस केस के अंदर आपने ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को देखूँ तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत किसकी है, सिर्फ टी के कोड की ज़रूरत है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो बार टी आ रहा है, दैट मीन्स कि मुझे टी का कोड मिल गया परसेंटेज, That means with the help of first and second we can answer. अब अगर ऐसा आता है मेरे पास में कि हाँ जी first और second से answer आ गया, इसको tick कर दिया और छुट्टी, नहीं wrong हो जाएगा, आगे भी check करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से answer आ गया तो वहीं पे stop, नहीं आगे के लिए भी check करना है। Second में क्या, अगला क्या कह रहा है, only second and third, अगर मैं second और third को देखूँ तो DATE बन रहा है मेरे पास में, हाँ जी यहाँ पे DATE नहीं बन रहा, ठीक है डी नहीं मिल रहा ना मुझे, दैट मीन्स कि सेकंड और थर्ड के आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ पे कह रहा है ऑल, जब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ रहा है तो ऑल वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दो, ये कह रहा है ओनली वन एंड ईदर सेकेंड और थर्ड, दैट मीन्स कि एक तो मुझे फर्स्ट चाहिए और उसके साथ में चाहे तो आप सेकेंड को ऐड कर दो या फिर साइड या तो थर्ड को ऐड कर दो। अब मैं चाहे सेकंड को ऐड करूँ तो भी मुझे टी का कोड यहाँ से मिल जाएगा, थर्ड से भी मुझे टी का कोड मिल जाएगा, दैट मीन्स व्हाट कि क्या आंसर आएगा बेटा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आते आते भी हम रोंग कर देते हैं, बाद में हमें लगता है कि काफ़ी सिली मिस्टेक हो गई हमसे, काफ़ी ये एक सिली मिस्टेक थी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मान लो इस तरह से आपके पास में तीन स्टेटमेंट्स आ जाती है तो वहाँ पर भी सभी को चेक करना है, सारे ऑप्शन को देखना है, ओके यस। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, तो आज के इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई थिंक हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। तो कुछ कंसेप्ट्स भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेटा हेल्पफुल है, देखो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, फिफ्थ को एग्ज़ाम है, तो डाटा सफिशियंसी क्वान्टिटेटिव के जो क्वेश्चंस है डाटा सफिशिएंसी के वो भी सभी ने करने, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सभी ने करने हैं डाटा सफिशिएंसी के, ओके, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी ने प्रैक्टिस कर लेने। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।